हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिल्वर करियर एकेडमी। आज हम देखने वाले रिसेंट जीडीपी प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानते हैं COVID-19 की वजह से सिर्फ इंडिया की नहीं ग्लोबल इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है। तो जो जीडीपी प्रोजेक्शन है आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सिल्वर करियर एकेडमी को, तो जल्दी से यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए, फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड में FY 2019 और 20 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 और फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022। तो ऐसे ही है चार कॉलम्स है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन से है। SBI की इको वर्क रिपोर्ट आती है, तो उन्होंने पहले बताया था 2019 के लिए 4.1, लेकिन अब अपडेटेड देखिए ड्यू टू द COVID-19 ये नेगेटिव में चला गया है इंडिया का GDP प्रोजेक्शन बाय SBI इकोग्राफ रिपोर्ट। देखिए कितना है, -6.8%। नेक्स्ट देखिए CRISIL क्रिसिल, तो पहले इन्होंने कहा था 5.3%, अब कहा है -5%। नेक्स्ट है मूडीज, इन्होंने पहले कहा था 4.8% और अब कहा है 0%। और FY 2021-22 के लिए कहा है 6.6%। तो ये सारे आपको याद रखने क्योंकि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अभी आपका SBI क्लर्क का मेंस का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब आपके एग्जाम है, उसकी डेट्स आ जाएंगी और RBI की भी, RBI असिस्टेंट की भी अपडेटेड डेट्स आ जाएगी, RBI असिस्टेंट मेंस। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GDP प्रोजेक्शन, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि पहले GDP क्या था और अब क्या है। नेक्स्ट देखिए पिच ने कहा था 4.9% कहा था 2019-20 के लिए और अब 2020 और 21 के लिए कहा है -5%, और FY 2021 और 2022 के लिए कहा है 7.5%। ये सारे आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग, यहाँ पर देखिए पिच के लिए का क्या है, 2020 के लिए -5% और 2021 के लिए है 6.7%, और S&P ग्लोबल रेटिंग्स के लिए है 5%, -5% है 2020 के लिए और 2021 के लिए है 7.5%। नेक्स्ट देखिए ICRM का है 5% फॉर 2020 के लिए है -5%। UBS सिक्योरिटीज, तो इन्होंने कहा है -0.4% और 2021 के लिए है 7%। OECD देखिए, OECD इन्होंने कहा था 5.51% पहले और अब कहा है 5.6%। तो शायद इन्होंने अपडेट नहीं किया है ड्यू टू द COVID-19। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपडेट किया है और बहुत ज़्यादा लोअर किया है इंडिया की GDP को। नेक्स्ट देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड, फिलीपींस मैनिला में है। इन्होंने पहले कहा था 4.2%, अब कहा है 1.9%, लेकिन 2021 के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है फ्रेंड्स, देखिए 7.4%। ड्यू टू द COVID-19 इंडिया की इकोनॉमी सफर होगी, लेकिन उसके बाद में भी फिर से रिकवर हो जाएगी, ऐसा कहना है IMF का। नेक्स्ट देखिए इंडिया रेटिंग, इन्होंने कहा है पहले कहा था 5.5% और अब कहा है 1.9%। नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास, तो ये भी आपको याद रखना है रेटिंग डेटा। और FY 2019 के लिए कहा था वर्ल्ड बैंक ने 4.8-5% और अब कहा है 2020 और 2021 के लिए 1.5-2.8%। नेक्स्ट देखिए फिक्की, तो फिक्की का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है और फिक्की की चेयरमैन कौन है, फिक्की की चेयरमैन। देखिए फिक्की ने पहले कहा था 5% और अब कहा है 2.5%। नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड नेशन, 5% पहले कहा था और अब कहा है 4.8%। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहले 5% कहा था लेकिन अब कुछ अपडेट नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए EIU का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, तो इन्होंने कहा है 2.1% फॉर 2020। नेक्स्ट देखिए NSAIR, तो इन्होंने पहले कहा था 4.9%, अब है 5.6%।
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने पहले कहा था 6%, सॉरी पहले पहले का कुछ नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अपडेटेड देखिए 2020 के लिए और 21 के लिए 6 to 6.5%। तो ये COVID-19 आने के बाद अपडेट नहीं हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कब होता है, फरवरी में हो जाता है बजट से पहले, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए गोल्डमैन सैक्स ने कहा है -5%, DBS इन्होंने पहले कहा था 4.5%, अब कहा है 1%, बार्कलेज तो देखिए इन्होंने कहा है 0.8%, फिच सॉल्यूशन 4.9% और अब कहा है 1.8%, नेक्स्ट CII इन्होंने कहा है 1.5%, नोमोरा इन्होंने प्रोजेक्ट किया है -5.2%, लेकिन 2021 और 22 के लिए अपडेट किया है 7.9%, यानी इंडिया की इकोनॉमी फिर से बाउंस बैक करेगी। नेक्स्ट देखिए CARE इन्होंने कहा है 1.1 to 1.2%, बैंक ऑफ अमेरिका ने प्रोजेक्ट किया है 0.5%, EDB एशियन डेवलपमेंट बैंक तो इन्होंने कहा है 4% 4% फॉर 2020 और 2021 के लिए 6.2%। तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड, फिलीपींस मैनिला में, और शायद मैंने गलती से स्टार्टिंग में IMF का हेडक्वार्टर क्या बताया था फ्रेंड, फिलीपींस बताया था, वो फिलीपींस नहीं है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, तो शायद मैंने गलती से IMF को बताया था, लेकिन ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और IMF का है वॉशिंगटन DC में, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में, ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बर्नस्टीन इन्होंने प्रोजेक्ट किया है -7%, बहुत ज्यादा लोअर कर दिया इंडिया के GDP को। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनले इन्होंने कहा है 5.9%, तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट GDP प्रोजेक्शंस थे फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली इसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी PDF की लिंक जो है फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा फ्रेंड, सिल्वर करियर अकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स पर या फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर आप जहाँ पर भी हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जहाँ पर भी आप हैं, टेलीग्राम पर चैनल्स पर सब शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इंडिया के लेटेस्ट GDP प्रोडक्शन के बारे में पता चले। स्टडी करते रहिए फ्रेंड, थैंक यू।